बीते दिन सोमवार को ही कैबिनेट में जिला सिरमौर के मंडल श्री रेणुका जी के विकास खंड सगड़ाह के नोहराधार में कॉलेज के को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके उपलक्ष्य पर नोहराधार में लोगों ने लड्डू बांटे। साथ में वाद्य यंत्रों के साथ एक आभार रैली निकाली गई। इस आभार रैली में स्थानीय लोगों ने रेणुका विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता बलवीर सिंह चौहान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उधर बलवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर इसी महीने कॉलेज की फंक्शनिंग कर कक्षाएं बिठाई जाएं। लोगों ने जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का आभार प्रकट किया, वहीं रेणुका के वरिष्ठ भाजपा नेताओं का भी आभार जताया है। बलवीर ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में एक गरीब मसीहा के ताज हैं। उन्होंने कैबिनेट में नोहराधार को डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी है, जिसके लिए पूरा नोहराधार क्षेत्र उनका आभार प्रकट करता है। देश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने हमें नोहराधार में डिग्री कॉलेज का जो तोहफा दिया है, जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गोविंद ठाकुर जी का। उनसे हम 4 दिन पहले शिमला में मिले थे। हमने उनसे निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने नोहराधार में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है, कृपया करके इसे कैबिनेट में ले जाएं। तो माननीय गोविंद ठाकुर जी ने 4 दिन के अंदर अंदर इसको कैबिनेट में रखा। आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ पर इस डिग्री कॉलेज की कक्षाएं शुरू करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मिलने जाएंगे, उसमें आप 10-20 कार्यकर्ता सभी यहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ शिमला आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम धन्यवाद भी करेंगे और उनको एक बार यहाँ निमंत्रण भी देंगे। कॉलेज का जो शुभारंभ करना है, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं यहाँ आएंगे तो चारों चांद लग जाएंगे, मेरा तो ये मानना है। बाकी एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे मान सम्मान दिया, आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे इस काबिल। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए रोनहार्ड सिरमौर से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।